बरसात खत्म होने के साथ ही RUIDP द्वारा शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया जाता है, लेकिन धीमी गति से चल रहे सीवरेज लाइन के कार्य को लेकर लोगों ने पार्षद पर आरोप लगाया है। मामला महावीर नगर विस्तार योजना के सेक्टर 3 का है। पर्सनल मैंने कच्चे ठेकेदार से चालू कर दिया, फिर उसका PA है, उसने की आप काम क्यों चालू कर दिया। मैंने कहा भाई तेरे मकान के सामने तो खोद ही नहीं रहा और हमारे सामने कीचड़ और गाड़ी जाने का रास्ता नहीं, पहले जाने तो मैंने मेरी मर्जी से चालू कर दिया। क्या कब तक पूरा होगा मैंने ये पता नहीं, 2 घंटे में 3 घंटे में पर पूरा काम होगा, उसके बाद ही बंद होगा। पार्षद में RUIDP के द्वारा जो काम चल रहा है उसको बार बार बंद कराया जा रहा है पार्षद के द्वारा। अगर काम नहीं रुकाता तो आज तकरीबन ये अगस्त तक सारा कार्य समाप्त हो जाता, लेकिन अब बाहर त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली का समय है, लोगों के आने जाने का समय है, वैसे 2 साल बाद त्यौहार मनाया जाएगा। कोरोना के कारण लोगों ने 2 साल से त्यौहार नहीं मनाया तो हर गली हर सड़क पूरा शहर गुदा पड़ा है। वहीं स्थानीय पार्षद शालिनी गौतम का कहना है कि सीवरेज लाइन डालने के दौरान RUIDP के द्वारा पीछे के कार्य को अधूरा छोड़कर आगे का कार्य शुरू कर दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। RUIDP अधिकारियों को इसके लिए अवगत करवाया गया है।